मेरे पैर में तो ऑलरेडी है ब्रो, और मैं तो ऑलवेज इन रॉक। उड़ा दे वो चाचा, पहुंच जाएगा टाइम पर। टिंग 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 टिंग। टिकटो, तेरे नाम का ब्रांड है। कितने जींस रखे हैं? नॉट बैड। लॉलीपॉप। हम शहर क्या छोड़े, पूरा शहर ही बदल गया। ससुर दारू पी के गाड़ी चलाता है। किसी से पापा मार देते बचपन में। अच्छा अच्छा किया है वैसे। Hey guys, finally अब हम आ चुके हैं हमारे नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ, obviously मी सर बात। तो guys, आज हम लोग एक नए मॉल की तरफ जाने वाले हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही फेमस है। हमारे यहाँ न्यूली खुला है एक्चुअली, तो अभी हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं पूरे सेटअप के साथ और मेरी वसंती। तो चलिए अभी बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कैसा होता है वहाँ का सीन। कुछ ज्यादा ही दिनों के बाद अब हम लोग बाहर निकले हैं। ये वीरगंज का ट्रैफिक। तो गाइस, ये है हमारा घंटाघर। ये है, ये बेरगंज का ट्रैफिक। येलो लाइट जल रहा है, सब लोग निकल रहे हैं। हाँ, ऊपर से मैं भी। ही और हम लोग भी एकदम नॉर्मल स्पीड पर जाएंगे। ओ, स्पीडोमीटर ख़राब है। hey, पर नो वरी। चलिए अब बढ़ते हैं धीरे धीरे। वैसे आज का मौसम कुछ ज़्यादा ही सुहाना है। ओहो भाई साहब, रोड पे खड़े होकर फोटो ना खिंचाए, कृपया करके रूम में जाए, रूम में जाके चुपचाप नहाए और नहाने के बाद सो जाए। और ये सर तो ये खैर छोड़ो, अंकल को जाने दो, अंकल जीते हमारे, कोई ना, रिलैक्स रिलैक्स, मजा आएगा अभी। असली सफर में तो अब मजा आएगा। तो एक्चुअली क्या है ना, भाटभटेनी नाम का एक मॉल खुला है, न्यूली खुला है, पर सुने हैं ज़्यादातर लोग वहाँ पर जाते नहीं है क्योंकि हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली है वो लोग के हिसाब से भाटभटेनी में हद से ज़्यादा ही पैसे ले रहे हैं। तो अब इसमें कितना सच है कितना झूठ, बाकी का बात तो पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। उड़ा दे वो चाचा। ओके, ये अंकल फिर आ गए, डॉक्यूमेंट हाथ में लेके जाएंगे, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम भाटभटेनी वाले रास्ते पे थे, अभी भी हैं पर फिर भी। तो ये भाटभटेनी एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, रोड लोकेशन कुछ मालूम नहीं है, पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, आई डोंट थिंक सो ये होगा। ये दादी जी से पूछते हैं, हमारे पीछे कोई नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। दादी, ये भाटभटेनी जाने वाला रास्ता कौन? आगे आगे से कौन है? ठीक बा। तो दादी ने बताया कि थोड़ा सा ही दूर है वो झंडा से, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, पर हाँ मुझे दिख रहा है, वो झंडे से थोड़ा सा आगे है। ओके, राइट, पुराने दिन याद आ गए। तो सो गाइज ये मेरा पहला मोटो ब्लॉगिंग है। तो जिन भी लोगों को मेरा पहला एक्सपीरियंस अच्छा लगा ख़राब लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई गेस ये है, आइए एक बार और रिकन्फर्म करते हैं हमारे भैया से। दाई, भाटभटेनी जाए वाला रास्ता कौन? आगे से? हाँ भैया। अरे तो गाइस, जैसे मैंने बोला यही है, पर चलिए आप देखते हैं अंदर क्या होता है। तो ये आ गए हम भाटभटेनी के अंदर, चलिए बाइक को पार्क करके चला जाए। ये लगा हमारा बाइक पार्किंग में, हमारी धन्नो।
सो फाइनली अब हम आ चुके हैं भाटपटेनी के अंदर। तो गाइस अभी देखते हैं क्या होता है भाटपटेनी के अंदर। और अच्छा अच्छा किया है वैसे हमारे बेंगलोर में इससे भी कहीं ज़्यादा 2 गुना 4 गुना 10 गुना बड़े बड़े मॉल सब है। एनीवेज़ लेट्स सी क्या होता है अंदर। सो गाइस फाइनली अब हम आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पर और जैसे आप लोग देख रहे हैं पीछे पूरा जनरल स्टोर है। तो चलिए आइए एक बार स्टोर पे एक बार एक्सप्लोर करते हैं क्या कैसा देखने को मिलता है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग किया जाए ओके स्टार्टिंग हमारे कुछ ओके है फिर भी स्टोर कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है। ओ माय गॉड कहाँ पे जाए लॉलीपॉप अगर सारे पी जाऊँ मैं तो ओके। तो गाइस अभी जैसे दिख रहा है ये पूरा चॉकलेट वाले सेक्शन है जिसमें से मेरे खाने पीने लायक कुछ नहीं है। ये शायद मैंने एक बार खाया था कब खाया था याद नहीं पर हाँ खाया था। ये स्वीट हमारे बस के बाद क्षेत्र के फल के बाहर का बात है ओके। ये बच्चों लोग का सेक्शन है ऑब्वियसली चौकोस एक चौकोस का डिब्बा 950 पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं 950 350। ओ भाई साहब ये 950 या 350 में इतना डिफरेंस क्यों है। एनीवेज न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव बिस्किट सो गाइस जैसा आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही लंबा और बड़ा टूर दिख रहा है यहाँ पर जो कि मेरे ख्याल से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर फिर भी लेट्स चेक क्या क्या देखने को मिलता है। पर फिर भी हाँ एक चीज़ और लाइक यहाँ पर ऑलमोस्ट वो सारे चीज़ें हैं जो कि हम लोग डेली यूज में यूज़ करते हैं जैसे कि आलू आपको मिले कैन यू इमेजिन गार्लिक मिल रहा है पैकेट में और आलू देखो ओके ये थोड़ा अच्छा लगा। फॉर्चून का न्यूट्री चॉइस सोया चंक्स क्या रेट है 190 ₹10 ऑफ है ₹10 हाँ ओके ठीक है। तो गाइस आपको जैसे ये हो गया ये वाला जो एरिया है ये पूरा एरिया जैसे आपको दिख रहा है पूरा डेयरी प्रोडक्ट से भरा हुआ है। खर्चा किया गया है बोल सकता हूँ खर्चा किया गया है। किसी ने शायद मेरे को बोला था 250 या 300 करोड़ में और पूरा ये बिल्डिंग बना है भाटपटेनी कितना सा कितना जो पता नहीं पर हाँ एक चीज़ तो सच है आप लोगों को इस मॉल में आने के बाद टाइम की कमी नहीं रही मतलब एक होता है ना बोर फील हो रहा है कि नहीं यार टाइम कैसे बीतेगा मॉल में आ जाओ आपको एक क्या बोलते हैं एक राउंड लगाने में ही ऑलमोस्ट आपका 40 से 45 मिनट्स चला जाए। तो फिलहाल अभी बात ज़्यादा ना करते हुए चलिए सामान देखते हैं। और ये रहा हमारा शैम्पूज अच्छा ये सनसिल्क का शैम्पू में जो 295 का है उस पर एक पॉन्ड्स का प्योर डिटॉक्स वाला फ्री ठीक है भाई नवाब वाले शौक जिसके हैं वो आएंगे खरीदेंगे जाएंगे हमारे हैं पर अभी नहीं ठीक। और ये तो पूरे आटे हैं वो चावल के बुरे हो गए और ये भी पूरा बच्चों वाला सेक्शन ये क्या है ट्रॉपिकल नट्स मिक्स फ्रूट ओके ग्रीन बादाम चिप्स चीज बॉल्स पहले के चीज बॉल कैसे थे हमारे हमारे टाइम के कैसे थे और अब के कैसे आ गए क्या कोई ना कुरकुरीज फ्लेम हॉट ओफ हम शहर क्या छोड़े पूरा शहर ही बदल गया
प्रणाम, भाटभटेनी स्टोर में स्वागत बा। मुस्कुरात रही, भाटभटेनी सुपर स्टोर पूर्ण रूप में सीसीटीवी कैमरा की नजर में बा। So guys, अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं like यहाँ पर सब कुछ like almost आपके जो किराना सामान में जो घर के डेली यूज में होते हैं वो एटलीस्ट यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। आप सब कुछ ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो एग्जिट है वो यहाँ से जाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि कुछ खरीदे नहीं है इसीलिए। तो देखते क्या लेना है क्या नहीं। हाँ, मज़ा ज़रूर आया होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग का हेलमेट रखने को तो मिला नहीं क्योंकि लॉकर ऑलमोस्ट सब फुल है। तो चलिए देखते हैं। ओह गॉड, यू यू तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वहाँ तक पूरा ए टू जेड सारे किचन वाले आइटम भरे हुए हैं और ये शायद इंडक्शन वाले हैं क्योंकि अगर इसके नीचे वाला ऐसा देखा जाए तो इंडक्शन से इंडक्शन प्लेट लगाए तो ये इंडक्शन वाले हैं। ओह गॉड। तो गाइस अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरे किचन आइटम हो गए और लेडीज लोग का अपना मेंटेनेंस चल रहा है और ये हो गया वाटर बॉटल मच्छर मारने की बैट आयरन स्टैंड। ओके ये इंटरेस्टिंग है, पूरा सेट है एक्चुअली। हाँ ये हमारे अमेजोन में भी मिलता है। एनीवेज अच्छा ये लोग भी ला के रखे हैं, किसी किसी को ज़रूरत होता है और कोई नहीं पहुंच सकता अमेजोन तक तो यहाँ से आके खरीद सकते हैं। तो गाइस ये हो गया पूरा। अब आ गए हमारे साफ सफाई आइटम की तरफ। ये स्किपिंग ओह ओह पूरे वर्कआउट वाले डंबल भी रखे हैं इसमें, नॉट बैड। बैडमिंटन, बैडमिंटन भी है। ओ तेरी यूनिक वॉल ट्रिक, मेरा बैडमिंटन पर इसमें टू पीस है, मेरा सिंगल पीस था। तो ये हो गया पूरे बच्चों लोग खेलने वाले टॉयज सेक्शन। ओ गॉड यार वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली होंगी। एक गाड़ी उठा लूँ तो चीज़ें मोमोस तेरे बच्चों के लिए, ये चलेगा या तो वो चलेगा बताना, कमेंट करके बताना कौन सा चाहिए। हाँ ये तेरे बच्चों को बैठ के खिलाने के लिए। ओ तेरी तो अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ के रखी है। ये भी ले सकती है, तो ये मेरे सेक्शन के बाहर है। ओ शिट लगता है डुगू को बुलाना पड़ेगा, वो सारे लेकर भाग जाएगा। तो अभी ये वाला ये सेक्शन ज़्यादा प्यारा है, कूची कूची कूची। मैं ऐसे पिल्लों के बारे में सोच रहा था खरीदूं पर आखिर में पापा ने मेरे को गिफ्ट कर दिया। मतलब बच्चा एक खुशी से कुछ लेना चाहता है तो वो भी नहीं ले सकता। तो अभी यहाँ मेरे बस का कुछ मिला नहीं फिलहाल के लिए, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, देखते हैं उस फ्लोर पे क्या क्या रखा हुआ है। लेकिन हाँ एक चीज़ मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, सब कुछ सिस्टमेटिक प्लान वाइज एकदम प्रॉपर मैनर में रखा हुआ है। हलवा और खिचड़ी नहीं किया गया है यहाँ पर,